हेलो एवरीवन, दिस इज नवराज क्रिएटिविटी और आज मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा स्क्विशी। तो स्क्विशी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक वाइट पेपर और एक गोल मटोल डब्बा जिससे मैं सर्कल बना सकूँ। आप राउंडर भी ले सकते हो। तो फिर मैंने ये सर्कल बना दिया और फिर ये जो सर्कल है उस पर मैंने स्केच पेन से कलर कर दिया येलो कलर का, क्योंकि मैं इमोजी स्क्विशी बना रही हूँ। एंड अभी मेरे पास ये स्क्विशी है तो आप इसकी आवाज़ सुनो। कितनी अच्छी है ना। तो अब मैंने इसको पूरा कलर कर दिया और इतने हाथ दुख रहे थे इसको कलर करते टाइम। इसको कलर करना सबसे ज़्यादा बोरिंग था, तो इतने ज़्यादा हाथ दुख रहे थे मेरे। और ये जो कलर था उसको मैं बदल भी नहीं सकती थी। मेरा जो स्केच पेन था वो भी धीरे धीरे चलना बंद हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा डार्क मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने सबसे ज़्यादा डार्क कलर चूज़ किया और इसको कलर किया। अब मैं बदलूँगी तो लाइट हो जाएगा। और इतने हाथ दुखे मैंने बीच में, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ, इसको वाइट ही रहने दूँ, वाइट स्क्विशी बना दूँ। लेकिन फिर मैंने इसको पूरा इतनी मेहनत से कलर कर दिया। इसके लिए एक लाइक कर दो क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। फिर मैंने ले लिया ये ब्लैक मार्कर, इसको भी मैंने कलर कर दिया। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये जो था स्क्विशी के आँखों के राउंड्स मुझे पहले बनाने चाहिए थे सर्कल, फिर मैंने देखा कि इसकी आँखों के अंदर भी येलो कलर है। फिर मैंने लिया वाइट जेल पेन और फिर मैंने इसको कवर कर दिया वाइट जेल पेन से, वाइट कर दिया इसकी आँखों को। अगर आपके पास वाइट जेल पेन नहीं है तो आप वाइट पेपर भी चिपका सकते हो, लेकिन आप मत करना। मैं क्यों बोल रही हूँ, मत करना प्लीज़। ये अगर आपके पास वाइट जेल पेन नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसको मैंने रेड कलर कर दिया इसके माउथ में और इसकी टंग में। मेरे को स्केच पेन ढूंढने थे और मेरे को मिल ही नहीं रहे थे, फिर मेरे को इतनी मेहनत से स्केच पेन मिला। फिर मैंने इसकी टंग को कलर किया, पिंक कलर कर दिया मैंने, डार्क पिंक। आप लाइट पिंक भी कर सकते हो। फिर इसके साइड में दो ऐसे रोज़ बनाने थे मेरे को ऐसे प्यारे से, तो मैंने उसके लिए ले लिया लाइट पिंक कलर। मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने दोनों रोजेस बना दिए साइड में और इसको कट कर लिया। फिर जब ये कट किया तो मैंने बहुत ही आराम से इसको उठाया ताकि ये दोनों अलग ना हो जाएं। ये मैंने टू पीसेस में किया था ना इसको, फिर मैंने ये मोटे वाले टेप से इसको कवर कर दिया पूरा। फिर जब ये कवर हो जाए ना, पूरे सब चीज़ें कवर हो जाएं, तो फिर हमें क्या कर लेना है ना, इसका जो साइड है ना उसको हमें कट कर देना है ऐसे एक 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 करके। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, मैं अभी इस वीडियो में ही करूंगी। एंड ये जो फ्रेम से मेरे बाहर चला गया था, इसका काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये ऐसे साइड से निकालना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड अगर आपकी कैची शार्प ना हो तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है, जैसे मेरी। तो फिर जब मैंने इसको कट कर दिया और फिर इसको पूरा कट किया अच्छे से, नीचे का मैंने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि नीचे का आधा ही था वैसे ही कट, छोटा ही था वो साइड का पीस, तो मैंने उसको आधे ही रहने दिया, आधे ही कट किया मैंने उसको। और मेरे हाथ में भी चिपक गया था, तो बीच बीच में मेरे हाथ में भी बहुत बार चिपक रहा था ये। फिर ये हो ही गया कट। और ये देखो, मैं जैसे कॉर्नर्स काटती हूँ ना वैसे आप लोग भी काट सकते हो। ये इससे और भी इजी हो जाता है करना, और कॉर्नर्स काटने ही पड़ते हैं क्योंकि वरना फिर ये जो टेप है ना वो स्क्विशी पे दिखेगा आपके साइड से, पूरा विजिबल रहेगा, तो इसलिए। और
अगर आप चाहो ना तो स्क्विशी के जो पीछे का साइड है ना, जो वाइट है पूरा, उसको भी आप कलर कर सकते हो और उस पर भी आप ऐसे टेप चिपका सकते हो। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने पीछे वाले साइड टेप नहीं चिपकाया है, तो मैंने बाद में चिपका दिया ताकि वो पीछे से ना फट जाए। फिर सामने से तो ये सेफ रहेगा पर पीछे से फट सकता है ना, तो फिर मैंने पीछे भी इसके टेप लगा दिया बाद में। और स्क्विशी में आपको ज़्यादा कॉटन डालना है जिससे फ्लफी रहे। फिर मैंने इसके पीछे के पूरे साइड चिपका दिए ऐसे, और आधी जगह खुली रखी ताकि वहाँ से मैं कॉटन डाल सकूँ। फिर पूरे साइड डालने के बाद मैंने इसमें कॉटन भी डाली, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से खुली रखी है। बट यहाँ पर टेप लगा हुआ था ना, पर जब मैंने कॉटन डाली ना तो ये कॉटन जो है टेप पे लग रही थी, बार बार टच कर रही थी कॉटन टेप पे। तो ये कॉटन जब टच कर रही थी तो मैंने वो टेप को काट दिया। मैंने सोचा कि बाद में मैं ये वाला जो टेप है उससे मैं फिर से इसको टेप कर दूंगी। और फिर ये इसमें कॉटन भर दिया इसका साइड का काट के। और फिर जब मैंने इसमें पूरा कॉटन भर दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये बेस्ट स्क्विशी था जो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने इसमें भर भर के कॉटन डाला और ये बहुत बढ़िया बना था। और फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लफी था और मेरे को तो बहुत मज़ा आया इसके साथ खेलने में। आप भी ट्राई करना ही करना, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। और फिर मैंने देखिए ऐसे टेप कर दिया इसको फिर से, और मैंने थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि मुझे ना वहाँ टेप ही नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया ये। बट बहुत ज़्यादा अच्छा था ये स्क्विशी। फिर मैंने इसके साइड वैसे ही कट कर दिए अच्छे से, जैसे मैंने पिछले वाले के किए थे। और जो इसके साइड्स मैंने कट किए ना, उसको मैंने वैसे ही चिपका दिया। और फिर ये जब साइड्स चिपक गए तो हमारा स्क्विशी जो है रेडी है। कितना अच्छा है ना ये, कितना मज़ा आया मेरे को इसके साथ खेलने में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप ट्राई तो ज़रूर ही करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ नहीं रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इसको ट्राई किया है या नहीं। सो ये तो बहुत अच्छा किया, मैंने थंब भी दिखाया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना है वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।